महाभारत के युद्ध से पूर्व भी कुरुक्षेत्र की सीमा में अनेक तीर्थों की महत्ता का वर्णन किया गया। जानते हैं वे सब कौन थे? नमस्कार, अगर आप किसी कारणवश मुझे सब्सक्राइब नहीं कर सकते तो लाइक अवश्य कीजिएगा। पुलस्त जी कहते हैं, राजेंद्र तदनंतर ऋषियों द्वारा प्रशंसित कुरुक्षेत्र की यात्रा करें, जिसके दर्शन मात्र से सब जीव पापों से मुक्त हो जाते हैं। मैं कुरुक्षेत्र में जाऊंगा, कुरुक्षेत्र में निवास करूंगा। इस प्रकार जो सदा कहा करते हैं वह सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। वायु द्वारा उड़ाकर लाई हुई कुरुक्षेत्र की धूल भी शरीर पर पड़ जाए तो वह पापी मनुष्य को भी परम गति की प्राप्ति करा देती है। जो सरस्वती के दक्षिण और द्वष्टवती के उत्तर कुरुक्षेत्र में वास करते हैं वे मानो स्वर्गलोक में ही रहते हैं। नारद जी कहते हैं, युधिष्ठिर वहां सरस्वती के तट पर धीर पुरुष एक मास तक निवास करे, क्योंकि महाराज ब्रह्मा आदि देवता ऋषि सिद्ध चारण गंधर्व अप्सरा यक्ष और नाग भी उस परम पुण्यमय ब्रह्मक्षेत्र को जाते हैं। युधिष्ठिर जो मन से भी कुरुक्षेत्र में जाने की इच्छा करता है उसके सब पाप नष्ट हो जाते हैं और वह ब्रह्मलोक को जाता है। गुरुश्रेष्ठ, श्रद्धा से युक्त होकर कुरुक्षेत्र की यात्रा करने पर मनुष्य राजसूय और अश्वमेध यज्ञों का फल पाता है। तदनंतर वहां मचक्रुक नाम वाले द्वारपाल महाबली यक्ष को नमस्कार करने मात्र से सहस्त्र गोदान का फल मिल जाता है। धर्मज्ञ राजेंद्र तत्पश्चात भगवान विष्णु के परम उत्तम सतत नामक तीर्थ स्थान में जाएं, जहां श्रीहरि सदा निवास करते हैं। वहां स्नान और त्रिलोक भवन भगवान श्रीहरि को नमस्कार करने से मनुष्य अश्वमेध यज्ञ का फल पाता और भगवान विष्णु के लोक में जाता है। इसके बाद त्रिभुवन विख्यात पारिपल्लव नामक तीर्थ में जाए भारत। वहां स्नान करने से अग्निउष्ठम और अतिरात्र यज्ञों का फल प्राप्त होता है। महाराज वहां से पृथ्वी तीर्थ में जाकर स्नान करने से सहस्त्र गोदान का फल प्राप्त होता है। राजन वहां से तीर्थ सेवी मनुष्य शालुकिनी में जाकर दशाश्वमेघ तीर्थ में स्नान करने से उसी फल का भागी होता है। सर्पदेवी में जाकर उत्तम नाग तीर्थ का सेवन करने से मनुष्य अग्निउष्ठम का फल पाता और नागलोक में चला जाता है। धर्मज्ञ वहां से तरंतुक नामक द्वारपाल के पास जाएं, वहां एक रात निवास करने से सहस्त्र गोदान का फल होता है। वहां से नियमपूर्वक नियमित भोजन करते हुए पंचनदी तीर्थ में जाएं और वहां कोटि तीर्थ में स्नान करें, इससे अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। अश्विनी तीर्थ में जाकर स्नान करने से मनुष्य रूपवान होता है। धर्मज्ञ वहां से परम उत्तम वराह तीर्थ को जाएं, जहां भगवान विष्णु पहले वराह रूप से स्थित हुए थे। नरश्रेष्ठ वहां स्नान करने से अग्निउष्ठम यज्ञ का फल प्राप्त होता है। राजेंद्र तदनंतर जयंती में सोम तीर्थ के निकट जाए, वहां स्नान करने से मनुष्य राजसूय यज्ञ का फल पाता है। एक हंस तीर्थ में स्नान करने से मनुष्य सहस्त्र गोदान का फल पाता है। नरेश्वर कृत शौच तीर्थ में जाकर तीर्थ सेवी मनुष्य पुंडरिक त्याग का फल पाता और शुद्ध हो जाता है। तदनंतर महात्मा स्थाणु के मुंजवट नामक स्थान में जाए, वहां एक रात रहने से मानव गणपति पद प्राप्त करता है। महाराज वहीं लोक विख्यात यक्षिणी तीर्थ है। राजेंद्र उसमें जाने और स्नान करने से संपूर्ण कामनाओं की पूर्ति होती है। भरत श्रेष्ठ वह कुरुक्षेत्र का विख्यात द्वार है, उसकी परिक्रमा करके तीर्थयात्री मनुष्य एकाग्रचित हो पुष्कर तीर्थ के तुल्य उस तीर्थ में स्नान करके देवताओं और पितरों की पूजा करें।
राजन, इससे तीर्थयात्री कृतकृत्य होता और अश्वमेघ यज्ञ का फल पाता है। उत्तम श्रेणी के महात्मा जमदग्नि नंदन परशुराम ने उस तीर्थ का निर्माण किया था। तदनंतर तीर्थयात्री एकाग्रचित हो परशुराम कुंडों पर जाए। राजेंद्र, वहां उद्दीप्त तेजस्वी वीरवर परशुराम ने संपूर्ण क्षत्रिय कुल का वेगपूर्वक संहार करके 5 कुंड स्थापित किए थे। पुरुष सिंह उन कुंडों को उन्होंने रक्त से भर दिया था। ऐसा सुना जाता है उसी रक्त से परशुराम जी ने अपने पितरों और प्रपितामहों का तर्पण किया था। राजन, तब वे पितर अत्यंत प्रसन्न हो परशुराम जी से इस प्रकार बोले, महाभाग राम, परशुराम, भृगुनंदन विभो, हम तुम्हारी इस पितृभक्ति से और तुम्हारे पराक्रम से भी बहुत प्रसन्न हुए। महात्युते, तुम्हारा कल्याण हो, तुम कोई वर मांगो, बोलो क्या चाहते हो। राजेंद्र, उनके ऐसा कहने पर योद्धाओं में श्रेष्ठ परशुराम ने हाथ जोड़कर आकाश में खड़े हुए उन पितरों से कहा, पितृगण, यदि आप लोग मुझ पर प्रसन्न हैं और यदि मैं आपका अनुग्रह पात्र हूं तो मैं आपका कृपा प्रसाद चाहता हूं, पुनः मेरी तपस्या पूरी हो जाए। मैंने जो रोष के वशीभूत होकर सारे क्षत्रिय कुल का संहार कर दिया, आपके प्रभाव से मैं उस पाप से मुक्त हो जाऊं तथा मैं ये कुंड भूमंडल में विख्यात करके तीर्थ स्वरूप कर पाऊं। परशुराम जी का यह शुभ वचन सुनकर उनके पितर बड़े प्रसन्न हुए और हर्ष में भरकर बोले, वत्स, तुम्हारी तपस्या इस विशेष पितृभक्ति से पुनः बढ़ जाए। तुमने जो रोष में भरकर क्षत्रिय कुल का संहार किया है उस पाप से तुम मुक्त हो जाओ। वे क्षत्रिय अपने ही कर्म से मरे हैं। तुम्हारे बनाए हुए यह कुंड तीर्थ स्वरूप होंगे, इसमें संशय नहीं है। जो इन कुंडों में नहाकर पितरों का तर्पण करेंगे उन्हें तृप्त हुए पितर ऐसा वर देंगे जो इस भूतल पर दुर्लभ है। वे उसके लिए मनोवांछित कामना और सनातन स्वर्गलोक सुलभ कर देंगे। राजन, इस प्रकार वर देकर परशुराम जी के पितर प्रसन्नतापूर्वक उनसे अनुमति ले वहीं अंतर्धान हो गए। इस प्रकार भृगुनंदन महात्मा परशुराम के वे कुंड बड़े पुण्यमय माने गए हैं। राजन, जो उत्तम व्रत एवं ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए परशुराम जी के उन कुंडों के जल में स्नान करके उनकी पूजा करता है उसे प्रचुर सुवर्ण राशि की प्राप्ति होती है। गुरुश्रेष्ठ, तदनंतर तीर्थ सेवी मनुष्य वंश मूलक तीर्थ में जाए। राजन, वंशमूलक में स्नान करके मनुष्य अपने कुल का उद्धार कर देता है। भरत श्रेष्ठ, काय शोधिनी तीर्थ में जाकर स्नान करने से शरीर की शुद्धि होती है, इसमें संशय नहीं। शरीर शुद्ध होने पर मनुष्य परम उत्तम कल्याणमय लोक में जाता है। धर्मज्ञ, तदनंतर त्रिभुवन विख्यात लोको उद्धार तीर्थ में जाए जो तीनों लोकों में पूजित है। वहां पूर्वकाल में सर्वशक्तिमान भगवान विष्णु ने कितने ही लोगों का उद्धार किया था। राजन, लोकोद्धार में जाकर उस उत्तम तीर्थ में स्नान करने से मनुष्य आत्मीय जनों का उद्धार करता है। मन को वश में करके श्री तीर्थ में जाकर स्नान करके देवताओं और पितरों की पूजा करने से मनुष्य उत्तम संपत्ति प्राप्त करता है। कपिला तीर्थ में जाकर ब्रह्मचर्य के पालन पूर्वक एकाग्रचित हो वहां स्नान और देवता पितरों का पूजन करके मनुष्य सहस्त्र कपिला गायों के दान का फल प्राप्त करता है। मन को वश में करके सूर्य तीर्थ में जाकर स्नान और देवता पितरों का अर्चन करके उपवास करने वाला मनुष्य अग्निष्ठम यज्ञ का फल पाता और सूर्यलोक में जाता है। तदनंतर तीर्थ सेवी क्रमशः गौभवन तीर्थ में जाकर वहां स्नान करें, इससे उसको सहस्त्र गौदान का फल मिलता है। गुरुश्रेष्ठ, तीर्थयात्री पुरुष शंखिनी तीर्थ में जाकर वहां देवी तीर्थ में स्नान करने से उत्तम रूप प्राप्त करता है।
राजेंद्र तदनंतर अरंतुक नामक द्वारपाल के पास जाएं। महात्मा यक्षराज कुबेर का वह तीर्थ सरस्वती नदी में है। राजन, वहां स्नान करने से मनुष्य को अग्निउष्ठम यज्ञ का फल प्राप्त होता है। राजेंद्र तदनंतर श्रेष्ठ मानव ब्रह्मावर्त तीर्थ को जाए। ब्रह्मावर्त में स्नान करके मनुष्य ब्रह्मलोक को प्राप्त करता है। राजेंद्र वहां से परम उत्तम सुतीर्थ में जाए। वहां देवता लोग पितरों के साथ सदा विद्यमान रहते हैं। वहां पितरों और देवताओं के पूजन में तत्पर हो स्नान करें। इससे तीर्थयात्री अश्वमेध यज्ञ का फल पाता और पितृलोक में जाता है। धर्मज्ञ वहां से अंबुवती में जो परम उत्तम तीर्थ है वहां जाएं। भरत श्रेष्ठ काशीश्वर के तीर्थों में स्नान करके मनुष्य सब रोगों से मुक्त हो जाता और ब्रह्मलोक में प्रतिष्ठित होता है। भरतवंशी महाराज वही मातृतीर्थ है जिसमें स्नान करने वाले पुरुष की संतति बढ़ती है और वह कभी क्षीण न होने वाली संपत्ति का उपभोग करता है। तदनंतर नियम में रहकर नियमित भोजन करते हुए सीत वन में जाएं। महाराज वहां महान तीर्थ है जो अनित्र दुर्लभ है। नरेश्वर वह तीर्थ एक बार जाने या दर्शन करने से ही पवित्र कर देता है। भारत उसमें केशों को धो लेने मात्र से ही मनुष्य पवित्र हो जाता है। महाराज वहां क्षाविल्लोह मापह नामक तीर्थ है। नरव्याघ्र उस तीर्थ में विद्वान ब्राह्मण स्नान करके बड़े प्रसन्न होते हैं। भरत सत्तम क्ष्वा विल्लोमा पन्यन तीर्थ में प्राणायाम योग की क्रिया करने से श्रेष्ठ द्विज अपने रोएं झाड़ देते हैं तथा राजेंद्र वे शुद्धचित होकर परम गति को प्राप्त होते हैं। भूपाल वही दशाश्वमेधिक तीर्थ भी है। पुरुष सिंह उसमें स्नान करके मनुष्य उत्तम गति प्राप्त करता है। राजेंद्र तदनंतर लोक विख्यात मानुष तीर्थ में जाए। राजन वहां व्याध के बाणों से पीड़ित हुए कृष्ण मृग उस सरोवर में गोते लगाकर मनुष्य शरीर पा गए थे, इसलिए उनका नाम मानुष तीर्थ है। ब्रह्मचर्य पालन पूर्वक एकाग्रचित हो उस तीर्थ में स्नान करने वाला मानव सब पापों से मुक्त स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित होता है। राजन मानुष तीर्थ से पूर्व एक कोस की दूरी पर आपगा नाम से विख्यात एक नदी है जो सिद्ध पुरुषों से सेवित है। जो मनुष्य वहां देवताओं और पितरों के उद्देश्य से भोजन कराते समय श्यामक अर्थात सावा नामक अन्न देता है उसे महान धर्म फल की प्राप्ति होती है। वहां एक ब्राह्मण को भोजन कराने पर 1 करोड़ ब्राह्मणों का भोजन कराने का फल मिलता है। वहां स्नान करके देवताओं और पितरों के पूजन पूर्वक 1 रात निवास करने से अग्निउष्ठम यज्ञ का फल मिलता है। भरतवंशी राजेंद्र तदनंतर ब्रह्मा जी के उत्तम स्थान में जाएं, जो इस पृथ्वी पर ब्रह्मोदुम्बर तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध है। वहां सप्तऋषि कुंड है। नरश्रेष्ठ महाराज उन कुंडों में तथा महात्मा कपिल के केदार तीर्थ में स्नान करने से पुरुष को महान पुण्य की प्राप्ति होती है। वह मनुष्य ब्रह्मा जी के निकट जाकर उनका दर्शन करने से शुद्ध पवित्र चित्त एवं सब पापों से रहित होकर ब्रह्मलोक में जाता है। कपिल का केदार भी अत्यंत दुर्लभ है। वहां जाने से तपस्या द्वारा सब पाप नष्ट हो जाने के कारण मनुष्य को अंतर्धान विद्या की प्राप्ति हो जाती है। राजेंद्र तदनंतर लोक विख्यात सरक तीर्थ में जाएं। वहां कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को भगवान शंकर का दर्शन करने से मनुष्य सब कामनाओं को प्राप्त कर लेता है और स्वर्गलोक में जाता है। गुरुनंदन सरक में 3 करोड़ तीर्थ हैं। राजन ये सब तीर्थ रुद्रकोटि में कूप में कुंडों में है। भरत शिरोमणि वही इलास्पद तीर्थ है जिसमें स्नान और देवता पितरों का पूजन करने से मनुष्य कभी दुर्गति में नहीं पड़ता और वाजपेयी यज्ञ का फल पाता है। महीपते
वहाँ किंदान और किंचप्पे नामक तीर्थ भी है। भारत, उनमें स्नान करने से मनुष्य दान और जप का असीम फल पाता है। कलशी तीर्थ में जल का आचमन करके श्रद्धालु और जितेंद्रिय मानव अग्निष्टम यज्ञ का फल पाते हैं। गुरुकुल श्रेष्ठ सरक तीर्थ के पूर्व में महात्मा नारद का तीर्थ है, जो अंबाजन के नाम से विख्यात है। भारत, उस तीर्थ में स्नान करके मनुष्य प्राण त्याग के पश्चात नारद जी की आज्ञा के अनुसार परम उत्तम लोकों में चला जाता है। शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को पुंडरीक तीर्थ में प्रवेश करें। राजन, वहां स्नान करने से मनुष्य को पुंडरीक यज्ञ का फल प्राप्त होता है। तदनंतर तीनों लोकों में विख्यात त्रिविष्टप तीर्थ में जाएं। वहां वैतरणी नामक पुण्य में पाप नाशिनी नदी है, उसमें स्नान करके शूलपाणि भगवान शंकर की पूजा करने से मनुष्य सब पापों से शुद्ध चित हो परम गति को प्राप्त करता है। राजेंद्र, वहां से फल्कीवन नामक उत्तम तीर्थ की यात्रा करें। राजन, देवता लोग फल्कीवन में सदा निवास करते हैं और अनेक सहस्त्र वर्षों तक वहां भारी तपस्या में लगे रहते हैं। भारत, दुष्टुति में स्नान करके देवता पितरों का तर्पण करने से मनुष्य अग्निष्टम और अतिरात्र यज्ञों का फल पाता है। भरत सतन, राजेंद्र, सर्वदेव तीर्थ में स्नान करने से मानव सहस्त्र गोदान का फल पाता है। भारत, पाणिखात तीर्थ में स्नान करके देवता पितरों का तर्पण करने से मनुष्य अग्निष्टम और अतिरात्र यज्ञों से मिलने वाले फल को प्राप्त कर लेता है। साथ ही वह राजसूय यज्ञ का फल पाता एवं ऋषि रोग में जाता है। राजेंद्र, तत्पश्चात परम उत्तम मिश्रक तीर्थ में जाएं। महाराज, वहां महात्मा व्यास ने द्विजों के लिए सभी तीर्थों का सम्मिश्रण किया था। यह बात मैंने सुनने में आई है, जो मनुष्य मिश्रक तीर्थ में स्नान करता है उसका वह स्नान सभी तीर्थों में स्नान करने के समान है। तत्पश्चात नियम पूर्वक रहते हुए मिताहारी होकर व्यास वन की यात्रा करें। वहां मनोजव तीर्थ में स्नान करके मनुष्य सहस्त्र गोदान का फल पाता है। मधुवटी में जाकर देवी तीर्थ में स्नान करके पवित्र हुआ मानव वहां देवता पितरों की पूजा करके देवी की आज्ञा के अनुसार सहस्त्र गोदान का फल पाता है। भारत, कौशिकी और त्वष्टुति के संगम में जो नियमित भोजन करते हुए स्नान करता है वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। तत्पश्चात व्यास थली में जाएं, जहां परम बुद्धिमान व्यास ने पुत्र शोक से संतप्त हो शरीर त्याग कर देने का विचार किया था। राजेंद्र, उस समय उन्हें देवताओं ने पुनः उठाया था। उस स्थल में जाने से सहस्त्र गोदान का फल मिलता है। किंदत नामक कूप के समीप जाकर एक प्रस्थ अर्थात 16 मुट्ठी तिल दान करें। गुरुश्रेष्ठ, ऐसा करने से मनुष्य तीनों ऋणों से मुक्त हो परम सिद्धि को प्राप्त होता है। वेदी तीर्थ में स्नान करने से मनुष्य सहस्त्र गोदान का फल पाता है। अहन और सुदीन, ये दो लोग विख्यात तीर्थ हैं। नरश्रेष्ठ, उन दोनों में स्नान करके मनुष्य सूर्यलोक में जाता है। निपश्रेष्ठ, तदनंतर तीनों लोकों में विख्यात मृगधूम तीर्थ में जाएं और वहां गंगा जी में स्नान करें। वहां महादेव जी की पूजा करके मनुष्य अश्वमेध यज्ञ का फल पाता है। देवी तीर्थ में स्नान करने से मनुष्य को सहस्त्र गोदान का फल मिलता है। तत्पश्चात त्रिलोक विख्यात वामन तीर्थ में जाएं। वहां विष्णुपद में स्नान और वामन देवता का पूजन करने से मनुष्य सब पापों से शुद्ध हो भगवान विष्णु के लोक में जाता है। कुलमपुन तीर्थ में स्नान करके मानव अपने कुल को पवित्र कर देता है। नरव्याघ्र, तदनंतर पवनहृद में स्नान करें, वह मरुदगणों का उत्तम तीर्थ है। वहां स्नान करने से मानव विष्णुलोक में प्रतिष्ठित होता है। अमरहृद में स्नान करके अमरेश्वर इंद्र का
पूजन करें। ऐसा करके मनुष्य अमरों के प्रभाव से स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित होता है। नरश्रेष्ठ शालिहोत्र के शाली सूर्य नामक तीर्थ में विधि पूर्वक स्नान करके मनुष्य सहस्त्र गोदान का फल पाता है। भरत सत्तम नरश्रेष्ठ श्री कुंज नामक सरस्वती तीर्थ में स्नान करने से मानव अग्निष्टम यज्ञ का फल प्राप्त कर लेता है। कुरुश्रेष्ठ तत्पश्चात नैमिष कुंज की यात्रा करें। राजेंद्र कहते हैं, नैमिषारण्य के निवासी तपस्वी ऋषि पहले कभी तीर्थ यात्रा के प्रसंग से कुरुक्षेत्र में गए थे। भरत श्रेष्ठ उसी समय उन्होंने सरस्वती कुंज का निर्माण किया था, वही नैमिष कुंज कहलाता है। वह ऋषियों का स्थान है जो उनके लिए महान संतोषजनक है। उस कुंज में स्नान करके मनुष्य अग्निष्टम यज्ञ का फल पाता है। धर्मज्ञ तदनंतर परम उत्तम कन्या तीर्थ की यात्रा करें। कन्या तीर्थ में स्नान करने से मानव सहस्त्र गोदान का फल पाता है। राजेंद्र तदनंतर परम उत्तम ब्रह्म तीर्थ में जाएं। वहां स्नान करने से ब्राह्मणेतर वर्ण का मनुष्य भी ब्राह्मणत्व लाभ प्राप्त करता है। ब्राह्मण होने पर शुद्ध चित हो वह परम गति को प्राप्त कर लेता है। नरश्रेष्ठ तत्पश्चात उत्तम सोम तीर्थ की यात्रा करें। राजन वहां स्नान करने से मानव सोमलोक को जाता है। नरेश्वर इसके बाद सप्त सारस्वत नामक तीर्थ की यात्रा करें, जहां लोक विख्यात महर्षि मकणक को सिद्धि प्राप्त हुई थी। राजन हमारे सुनने में आया है कि पहले कभी महर्षि मकणक के हाथ में कुश का अग्रभाग गड़ गया था, जिससे उनके हाथ में घाव हो गया। महाराज उस समय उस हाथ से शाक का रस चूने लगा। शाक का रस चूता देख महर्षि हर्षावेश से मतवाले हो नृत्य करने लगे। वीर उनके नृत्य करते समय उनके तेज से मोहित हो सारा चराचर जगत नृत्य करने लगा। राजन नरेश्वर उस समय ब्रह्मा आदि देवता तथा तपोधन महर्षिगण सबने मकड़क मुनि के विषय में महादेव जी से निवेदन किया। देव आप कोई ऐसा उपाय करें जिससे इनका यह नृत्य बंद हो जाए। महादेव जी देवताओं के हित की इच्छा से हर्षावेश से नाचते हुए मुनियों के पास गए और इस प्रकार बोले, धर्मज्ञ महर्षि मुनिवर आप किस लिए नृत्य कर रहे हैं? आज आपके इस हर्षातिरेक का क्या कारण है? ऋषि ने कहा, तुच्छ ब्राह्मण मैं धर्म के मार्ग पर स्थिर रहने वाला तपस्वी हूं। मेरे हाथ से यह शाक का रस चू रहा है, क्या आप इसे नहीं देखते? इसी को देखकर मैं महान हर्ष से नाच रहा हूं। महर्षि राग से मोहित हो रहे थे। महादेव जी ने उनकी बात सुनकर हंसते हुए कहा, विप्रवर मुझे तो यह देखकर कोई आश्चर्य नहीं हो रहा, मेरी ओर देखिए। नरश्रेष्ठ निष्पाप राजेंद्र ऐसा कहकर परम बुद्धिमान महादेव जी ने अंगुली के अग्रभाग से अपने अंगूठे को ठोका। राजन उनके चोट करने पर उस अंगूठे से बर्फ के समान सफेद भस्म गिरने लगी। महाराज यह अद्भुत बात देखकर मुनि लज्जित हो महादेव जी के चरणों में पड़ गए और उन्होंने दूसरे किसी देवता को महादेव जी से बढ़कर नहीं मानने का निश्चय किया। वे बोले, भगवान देवता और असुरों सहित संपूर्ण जगत के आश्रय आप ही हैं। त्रिशूलधारी महेश्वर आपने ही चराचर जीवों सहित संपूर्ण त्रिलोकी को उत्पन्न किया है। फिर प्रलयकाल आने पर आप ही सब जीवों को अपना ग्रास बना लेते हैं। देवता भी आपके स्वरूप को नहीं जान पाए, फिर मेरी तो बात ही क्या है? अनक ब्रह्मा आदि सब देवता आप ही में दिखाई देते हैं। इस जगत के करने और कराने वाले सब कुछ आप ही हैं। आपके प्रसाद से सब देवता यहाँ निर्भय और प्रसन्न रहते हैं। इस प्रकार स्तुति करके ऋषि ने फिर महादेव जी से इस प्रकार कहा, महादेव आपकी कृपा से मेरी तपस्या नष्ट न हो। तब महादेव जी ने प्रसन्नचित हो महर्षि से कहा, ब्राह्मण मेरे प्रसाद से आपकी तपस्या कई सहस्त्र गुना बढ़ जाएगी।
महामुनि, मैं तुम्हारे साथ इस आश्रम में सदैव निवास करूंगा। जो सप्त सारस्वत तीर्थ में स्नान करके मेरी पूजा करेंगे, उनके लिए इहलोक और परलोक में कोई भी वस्तु दुर्लभ नहीं होगी। इतना ही नहीं, वे सरस्वती के लोक में जाएंगे, इसमें संशय नहीं है। ऐसा कहकर महादेव जी वहीं अंतर्धान हो गए। तदनंतर तीनों लोकों में विख्यात औष्णस तीर्थ की यात्रा करें, जहां ब्रह्मा आदि देवता तथा तपस्वी ऋषि रहते हैं। भारत, शुक्राचार्य जी के प्रिय करने के लिए भगवान कार्तिकेय भी वहां तीनों संध्याओं में उपस्थित रहते हैं। कपाल मोचन तीर्थ सब पापों से छुड़ाने वाला है। नरश्रेष्ठ, वहां स्नान करके मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। नरश्रेष्ठ, वहां से अग्नि तीर्थ को जाएं। उसमें स्नान करने से मनुष्य अग्नि लोक में जाता और अपने कुल का उद्धार कर देता है। भरत सत्तम, वहीं विश्वामित्र तीर्थ है। नरश्रेष्ठ, वहां स्नान करने से ब्राह्मणत्व की प्राप्ति होती है। नरश्रेष्ठ, ब्रह्म योनि तीर्थ में जाकर पवित्र एवं जीतात्मा पुरुष वहां स्नान करने से ब्रह्मलोक प्राप्त कर लेता है, साथ ही अपने कुल की 7 पीढ़ियों तक को पवित्र कर देता है, इसमें संशय नहीं है। राजेंद्र, तदनंतर कार्तिकेय के त्रिभुवन विख्यात पृथुदत्त तीर्थ की यात्रा करें और वहां स्नान करके देवताओं तथा पितरों की पूजा में संलग्न रहें। भारत, स्त्री हो या पुरुष, उसने मानव बुद्धि से अनजान में भी या जानबूझकर जो कुछ भी पाप कर्म किया है, वह सब पृथुदक तीर्थ में स्नान करने मात्र से नष्ट हो जाता है। और तीर्थ से भी पुरुष को अश्वमेध यज्ञ के फल एवं स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। कुरुक्षेत्र तीर्थ को सबसे पवित्र कहते हैं। कुरुक्षेत्र से भी पवित्र है सरस्वती नदी। सरस्वती से भी पवित्र है उसके तीर्थ, और उन तीर्थों में भी पवित्र है पृथुदक। वह सब तीर्थों में उत्तम है जो पृथुदक तीर्थ में जप परायण अपने शरीर का त्याग करता है, उसे पुनर्मृत्यु का भय नहीं होता। यह बात भगवान सनत कुमार तथा महात्मा व्यास ने कही है। राजन, इस प्रकार तीर्थयात्री नियम पूर्वक पृथुदक तीर्थ की यात्रा करें। गुरुश्रेष्ठ, पृथुदक से श्रेष्ठतम तीर्थ दूसरा कोई नहीं है, वहीं मैथ्य पवित्र और पावन है, इसमें संशय नहीं है। नरश्रेष्ठ, पापी मनुष्य भी वहां पृथुदक तीर्थ में स्नान करने से स्वर्गलोक में चले जाते हैं, ऐसा मनीषी पुरुष कहते हैं। भरत श्रेष्ठ, वहीं मधुस्त्रव तीर्थ है। राजन, उसमें स्नान करने से मनुष्य को सहस्त्र गोदान का फल मिलता है। राजेंद्र, तदनंतर क्रमशः लोक विख्यात सरस्वती अरुणा संगम नामक पवित्र तीर्थ की यात्रा करें। वहां स्नान करके 3 रात उपवास करने से ब्रह्महत्या से छुटकारा मिल जाता है। इतना ही नहीं, वह मनुष्य अग्निष्ठम और अतिरात्र यज्ञों से मिलने वाले फल को भी पा लेता है। भरत श्रेष्ठ, वह अपने कुल की 7 पीढ़ियों को पवित्र कर देता है। गुरुकुल शिरोमणि, वहीं अर्घकील नामक तीर्थ है, जिसे पूर्वकाल में दर्भी मुनि ने ब्राह्मणों पर कृपा करने के लिए प्रकट किया था। वहां व्रत, उपनयन और उपवास करने से मनुष्य कर्मकांड और मंत्रों का ज्ञाता ब्राह्मण होता है, इसमें संशय नहीं। नरश्रेष्ठ, क्रियाविहीन और मंत्रहीन पुरुष भी उसमें स्नान करके व्रत का पालन करने से विद्वान होता है, यह बात प्राचीन महर्षियों ने प्रत्यक्ष देखी है। दर्भी मुनि वहां 4 समुद्रों को भी ले आए हैं। नरश्रेष्ठ, उनमें स्नान करने वाला मनुष्य कभी दुर्गति में नहीं पड़ता और उसे 4000 गोदान का भी फल मिलता है। धर्मज्ञ, तदनंतर वहां से शत सहस्त्र और सहस्रक तीर्थ की यात्रा करें। वे दोनों लोक विख्यात तीर्थ हैं। उसमें स्नान करने से मनुष्य को सहस्त्र गोदान का फल प्राप्त होता है,
वहां किए हुए दान अथवा उपवास का महत्व अन्यत्र से सहस्त्र गुना अधिक होता है। राजेंद्र वहां से उत्तम रेणुका तीर्थ की यात्रा करें। पहले उस तीर्थ में स्नान करें, फिर देवताओं और पितरों की पूजा में तत्पर हो जाएं। इससे तीर्थयात्री सब पापों से शुद्ध हो अग्निउष्ठम यज्ञ का फल पाता है। विमोचन तीर्थ में स्नान और आचमन करके क्रोध और इंद्रियों को वश में करने वाला मनुष्य प्रतिग्रह जनित सारे दोषों से मुक्त हो जाता है। तदनंतर ब्रह्मचारी एवं जितेंद्रिय पुरुष पंचवटी तीर्थ में जाकर महान पुण्य से युक्त हो सत्पुरुषों के लोक में प्रतिष्ठित होता है। वहां योगेश्वर एवं वृषभध्वज स्वयं भगवान शिव निवास करते हैं। उन देवेश्वर की पूजा करके मनुष्य वहां जाने मात्र से सिद्ध हो जाता है। वहीं तेजस नामक वरुण देवता संबंधी तीर्थ है, जो अपने तेज से प्रकाशित होता है, जहां ब्रह्मा आदि देवताओं तथा तपस्वी ऋषियों ने कार्तिकेय को देवसेनापति के पद पर अभिषिक्त किया था। कुरुश्रेष्ठ तेजस तीर्थ के पूर्व भाग में कुरु तीर्थ है, जो मनुष्य ब्रह्मचर्य पालन और इंद्रिय संयम पूर्वक कुरु तीर्थ में स्नान करता है, वह सब पापों से शुद्ध होकर ब्रह्मलोक में जाता है। तदनंतर नियम परायण हो नियमित भोजन करते हुए स्वर्ग द्वार को जाएं। उस तीर्थ के सेवन से मनुष्य स्वर्गलोक पाता है और ब्रह्मलोक में चला जाता है। नरेश्वर तदनंतर तीर्थ सेवी पुरुष अनरक तीर्थ में जाएं। राजन उसमें स्नान करने से मनुष्य कभी दुर्गति में नहीं पड़ता। महीपते पुरुष सिंह वहां स्वयं ब्रह्मा नारायण आदि देवताओं के साथ नित्य निवास करते हैं। कुरुश्रेष्ठ महाराज वहां रुद्र पत्नी दुर्गा जी का स्थान भी है। उस देवी के निकट जाने से मनुष्य कभी दुर्गति में नहीं पड़ता। महाराज वहीं विश्वनाथ उमावल्लभ महादेव जी का स्थान है। वहां की यात्रा करके मनुष्य सब पापों से छूट जाता है। शत्रुदमन महाराज पद्मनाभ भगवान नारायण के निकट जाकर उनका दर्शन करके मनुष्य तेजस्वी रूप धारण करके भगवान विष्णु के लोक में जाता है। पुरुषरत्न सब देवताओं के तीर्थों में स्नान करके मनुष्य सब दुखों से मुक्त हो चंद्रमा के समान प्रकाशित होता है। नरेश्वर तदनंतर तीर्थ से भी पुरुष स्वस्तिपुर में जाएं। उसके परिक्रमा करने से सहस्त्र गोदान का फल मिलता है। तत्पश्चात पावन तीर्थ में जाकर देवताओं और पितरों का तर्पण करें। भारत ऐसा करने वाले पुरुष को अग्निउष्ठम यज्ञ का फल मिलता है। भरत श्रेष्ठ वहीं गंगाहृद नामक कूप है। भोपाल उस कूप में 3 करोड़ तीर्थों का वास है। राजन उसमें स्नान करके मानव स्वर्गलोक में जाता है। जो मनुष्य आपगा में स्नान करके महादेव जी की पूजा करता है वह गणपति पद प्राप्त करता है और अपने कुल का उद्धार कर देता है। तदनंतर त्रिभुवन विख्यात स्थाणुवट तीर्थ में जाएं। वहां स्नान करके रात भर निवास करने वाला मनुष्य रुद्रलोक में जाता है। तदनंतर बद्रीपाचन नाम से प्रसिद्ध वशिष्ठ के आश्रम पर जाएं। वहां 3 रात उपवास पूर्वक रहकर बेर का फल खाएं। जो मनुष्य वहां 12 वर्षों तक भलीभांति 3 रात्रों उपवास पूर्वक बेर का फल खाता है वह उन्हीं वशिष्ठ के समान हो जाता है। राजन नरेश्वर तीर्थ से भी मनुष्य रुद्र मार्ग में जाकर 1 दिन 1 रात उपवास करे। इससे वह इंद्रलोक में प्रतिष्ठित होता है। तदनंतर 1 रात्र तीर्थ में जाकर मनुष्य नियम पूर्वक सत्यवादी होकर 1 रात निवास करके ब्रह्मलोक में पूजित होता है। राजेंद्र तत्पश्चात उस त्रिलोक के विख्यात तीर्थ में जाएं, जहां तेजोराशि महात्मा सूर्य का आश्रम है। उसमें स्नान करके सूर्य देव की पूजा करने से मनुष्य सूर्य के लोक में जाता और अपने कुल का उद्धार करता है। नरेश्वर सोम तीर्थ में स्नान करके तीर्थ से भी मानव सोमलोक को प्राप्त कर लेता है। इसमें संशय नहीं है। धर्मज्ञ राजन तदनंतर महात्मा दधीचि के लोक विख्यात परम पुण्य में
पावन तीर्थ की यात्रा करें, जहां तपस्या के भंडार सरस्वती पुत्र अंगिरा का जन्म हुआ। उस तीर्थ में स्नान करने से मनुष्य अश्वमेध यज्ञ का फल पाता है और सरस्वती लोक को प्राप्त होता है, इसमें संशय नहीं है। तदनंतर नियम पूर्वक रहकर ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए कन्याश्रम तीर्थ में जाएं। राजन, वहां 3 रात उपवास करके नियम पालन पूर्वक नियमित भोजन करने से 100 दिव्य कन्याओं की प्राप्ति होती है, वह मनुष्य स्वर्गलोक में जाता है। धर्मज्ञ, तदनंतर वहां से सनीति ही तीर्थ की यात्रा करें। उस तीर्थ में ब्रह्मा आदि देवता और तपोधन महर्षि प्रतिमास महान पुण्य से संपन्न होकर जाते हैं। सूर्य ग्रहण के समय सनिहति में स्नान करने से 100 अश्वमेध यज्ञों का अभिष्ट एवं शाश्वत फल प्राप्त होता है। पृथ्वी पर और आकाश में जितने तीर्थ, नदी, ह्रद, तड़ाग, संपूर्ण झरने, उत्पान, बावली, तीर्थ और मंदिर हैं, वे प्रत्येक मास की अमावस्या को सनिहति में अवश्य पधारेंगे। तीर्थों का संघात या समूह होने के कारण वह सनिहति नाम से विख्यात है। राजन, उसमें स्नान और जलपान करके मनुष्य स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित होता है। जो सूर्य ग्रहण के समय अमावस्या को वहां पितरों का श्राद्ध करता है, उसके पुण्य फल का वर्णन सुनो। भली भांति संपन्न किए हुए सहस्त्र अश्वमेध यज्ञों का जो फल होता है, उसे मनुष्य उस तीर्थ में स्नान मात्र करके अथवा श्राद्ध करके पा लेता है। स्त्री या पुरुष ने जो कुछ भी दुष्कर्म किया हो, वह सब वहां स्नान करने मात्र से नष्ट हो जाता है, इसमें संशय नहीं है। वह पुरुष कमल के समान रंग वाले विमान द्वारा ब्रह्मलोक में जाता है। तदनंतर मचक्रुक नामक द्वारपाल यक्ष को प्रणाम करके कोटि तीर्थ में स्नान करने से मनुष्य को प्रचुर सुवर्ण राशि की प्राप्ति होती है। धर्मज्ञ भरत श्रेष्ठ, वहीं गंगाहृद नामक तीर्थ है, उसमें ब्रह्मचार्य पालन पूर्वक एकाग्रचित हो स्नान करें। इससे मनुष्य को राजसूय और अश्वमेध यज्ञों द्वारा मिलने वाले फल की प्राप्ति होती है। भूमंडल के निवासियों के लिए नैमिष, अंतरिक्ष निवासियों के लिए पुष्कर और तीनों लोकों के निवासियों के लिए कुरुक्षेत्र विशिष्ट तीर्थ है। कुरुक्षेत्र से वायु द्वारा उड़ाई हुई धूल भी पापी से पापी मनुष्य पर भी यदि पड़ जाए तो उसे परम गति को पहुंचा देती है। सरस्वती से दक्षिण, दशरथी से उत्तर कुरुक्षेत्र में जो लोग निवास करते हैं, वे मानो स्वर्गलोक में ही बसते हैं। मैं कुरुक्षेत्र में जाऊंगा, कुरुक्षेत्र में निवास करूंगा, ऐसी बात एक बार मुंह से कह देने पर भी मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। कुरुक्षेत्र ब्रह्मा जी की वेदी है। इस पुण्य क्षेत्र का ब्रह्मऋषिगण सेवन करते हैं। जो मानव उसमें निवास करते हैं, वे किसी प्रकार शोकजनक अवस्था में नहीं पड़ते। तरंतुक और अरंतुक के तथा रामहृद और मचक्रुक के बीच का जो भूभाग है, वही कुरुक्षेत्र एवं समंत पंचक है। इसे ब्रह्मा जी की उत्तर वेदी कहते हैं। नमस्कार, मैं आभा शर्मा जावास। यदि आपको मेरा ये प्रयत्न सराहनीय लगा हो तो मुझे सब्सक्राइब करके प्रोत्साहित करें।